ऐसी कौन सी है? आप खड़े रहो, लेके तो आपको हम भी लगाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं आप आगे खड़े ना, आप बैठ जाइए। अच्छा छोड़ी बैठे इसमें ना, आप बैठ जाइए। अच्छा छोड़ी बैठे इसमें। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। ठंडी आ गई है तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को यहाँ दर्द वहाँ दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द होगा। तो इस टाइम पे आप लोग एल-कार्निटिन है, मेथाइलकोबालामिन है, इसके साथ के कुछ मल्टीवाइटमिन आते हैं वो ज़रूर ले सकते हैं, या फिर आप अच्छे हेल्दी फूड लेकर के अपने आप को फिट रख सकते हैं। और कैल्शियम की टैबलेट है, सिरप है, वाइटामिन D3 का इंटेक ज़्यादा करें, धूप में भी बैठें, जिससे आपको फटीगनेस है, पैरों में हाथों में दर्द या जलन जैसी कोई समस्या नहीं है। एनीवे, आज हम एक बच्चा आया था, उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे, तो उसका ट्रीटमेंट लखनऊ PGI से चल रहा है, तो उसको इंजेक्शन देना है। और हुआ क्या है कि यहाँ पे एक फार्मेसी है, फार्मेसी का एक कोई है छोटा पर्ची वाला, तो वो भाई साहब इस बच्चे से 50 रुपये लेते थे, कॉस्ट करते थे कि 50 रुपये आप पर इंजेक्शन, में सिर्फ लगाने का इंजेक्शन दूंगा, मतलब उससे मेडिकेशन वहां से मिली है और उसे सिर्फ लगाना है, तो 50 रुपये इंजेक्शन का देते हैं। तो भाई थोड़ा सा ये गलत चीजें ना करें, अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, और ऐसा कोई मरीज है, कॉम्प्लिकेटेड मरीज है, इसको सूचर्स हैं, दौड़े आते हैं, चक्कर आते हैं, जैसे डॉक्टर ने न्यूरोकाइन का इंजेक्शन आता है, या फिर विटन्यूरिन का इंजेक्शन आता है, या फिर ऑप्टीन्यूरॉन 4 के इंजेक्शन आते हैं, वो इंजेक्शन दिखा था डॉक्टर ने, तो इंजेक्शन हम देने वाले हैं। तो कैसे सही तरीके से देते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर नया है तो इनको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए, और हमारे मेन चैनल खागा फार्मेसी में जाकर के वीडियोस देखिए, उसमें बहुत हेल्पफुल वीडियोस पड़ी हुई हैं, फैक्ट के साथ सारी चीज़ डिस्कस करते हैं, तो जाइएगा वीडियो देखिएगा, और इस वीडियो को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। बाकी कैसे सही तरीके से इंजेक्शन दिया जाता है, मान लीजिए कई बार बच्चे होते हैं, अडल्ट होते कोई भी होते हैं, तो बटक में हिप में इंजेक्शन लगना है, तो कैसे दिया जाना चाहिए। कई बार होता क्या है, लोग लिटा के देते हैं, मैं भी देता हूँ, कई बार होता है क्या, खड़े करके देते, जैसे इस बच्चे को हम बोल देते आप खड़े रहिए, तो बच्चा अनकम्फर्टेबल था, परेशान हो रहा था, क्या तो मरीज लगेगा दर्द होगा, क्योंकि ये जो B12 के इंजेक्शन होते हैं वो पेन करते हैं, जो रेड कलर का आपको इंजेक्शन दिख रहा है इस वीडियोज में दिख रहा होगा, तो ये जो इंजेक्शन है ये पेन करता है, दर्द करता है, इसलिए इसे हमेशा मसल्स में देना चाहिए, हमेशा कोशिश करें कि आप कमर में ही दें, कुछ लोग यहाँ लगा देते हैं, महानुभाव लोग, यहाँ नहीं देना चाहिए भाई, यहाँ मैं बताता हूँ हमेशा कि वैक्सीन ही दी जाती है। तो इस बच्चे को हमने इंजेक्शन दिया, बैठे बैठे ही इंजेक्शन दिया, जरूरी नहीं है बच्चा बोल रहा था लिटा दीजिए लिटा दीजिए, तो मैंने बोला कि बेटा खड़े होकर के लगाइए, आपको तो डेली लग रहा है और काफी दिनों से लग रहा है, तो कैसे सही तरीके से देना है चलिए वीडियो दिखाते हैं और सीखिए इन वीडियो से, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बाकी चलते हैं वीडियो देखते हैं और सीखते हैं कैसे सही तरीके से हमने इसको इंजेक्शन दिया। पीछे रहते फिर भी नहीं जानते, हम तुम्हारे आगे रहते हैं, पीछे रहते हम तुम्हारे आगे, क्या हो गया था? लेकिन कौन कहते हैं कि ये क्या दिक्कत है? अरे इनके जब दवा जाते जब क्या दिक्कत है इसमें?
अचानक से दिमाग में बुखार चढ़ता है, ऐसी बोल भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आप बैठ जाइए, बैठिए भाई। कल किधर, परसों किधर लगा था? दबा के रखिए। काम खत्म। हेलो, यार तुमसे बेटा खराब खराब लड़के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे।